नमस्कार, हिमालिनी टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। हिमालिनी से मैं अंशुल राजपूत, करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बचपन का प्यार पाने के लिए चार बार घर से भागी प्रेमिका, अब थाने में हुई शादी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बिहार के रोहतास जिले का डेहरी स्थित महिला थाने में एक प्रेमी जोड़े की वहाँ धूमधाम से शादी कराई गई। यह शादी महिला थाना अध्यक्ष की देखरेख में हुई। इस दौरान पंडित ने थाने में मंत्रोच्चारण किए और वर वधु ने एक दूसरे को भी वरमाला पहनाई। प्रेमी ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरा और सात फेरे भी लिए, फिर शादी संपन्न हुई। आपको बता दें, महिला थाना अध्यक्ष माधुरी कुमारी ने बताया कि टंडवा गांव के प्रेमी अभयकांत और पड़ुहार गांव की प्रेमिका प्रियंका के बीच कई सालों से प्रेम संबंध था, लेकिन लड़के और लड़की वाले इस शादी के पक्ष में नहीं थे। लड़की ने इसकी शिकायत महिला थाने में दर्ज कराई। फिर लड़की की शिकायत पर लड़के को थाने बुलाया गया। लड़के ने अपनी तरफ से शादी की सहमति जताई। दोनों की सहमति के बाद तत्काल थाना परिसर में ही शादी के इंतजाम किए गए। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से दोनों की शादी कराई गई। इस मौके पर प्रेमी और प्रेमिका के भाई भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि शादी के लिए प्रेमी और प्रेमिका के परिजन तैयार नहीं थे। शादी के लिए प्रेमिका अपने घर से चार बार भाग चुकी है। महिला थाना अध्यक्ष माधुरी कुमारी ने लड़की की शिकायत पर लड़के को थाने बुलाया और दोनों की सहमति के बाद थाने में धूमधाम के साथ विवाह करा दिया। प्रेमी और प्रेमिका दोनों बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। 8 साल से चल रहे प्रेम प्रसंग के लिए महिला प्रेमिका ने अपने परिजनों को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने और उसकी पिटाई तक कर दी। इसके बाद लड़की अपने प्रेमी के पास मध्य प्रदेश पहुँच गई। प्रेमी ने भी अपने परिजनों को मनाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन घर वालों के प्रेशर में आने के बाद उसने भी शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रेमिका के पास एक ही रास्ता बचा, वो था पुलिस से मदद मांगना। प्रेमिका ने यही रास्ता अपनाया और वो सीधे महिला थाने पहुंच गई और अपनी प्रेम कहानी के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर महिला थाने की पुलिस ने ही शादी करवा दी। तो आपको बता दें, दोनों पक्षों की सहमति से थाने में धूमधाम से विवाह हुआ। इस शादी से पूरे इलाके में इस शादी की खूब चर्चा हो रही है। थाने में तैनात सभी पुलिसकर्मियों ने दूसरों को नई जिंदगी की शुभकामनाएं भी दी। बता दें आपको, बिहार से ये खबर आ रही है। बिहार के रोहतास जिले का ये मामला। बचपन का प्यार पाने के लिए चार बार घर से भागी प्रेमिका, अब थाने में हुई धूमधाम से शादी। आगे भी आपसे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हिमालिनी टेलीविज़न के साथ।